News for India। जिलाधिकारी खगड़िया श्री आलोक रंजन घोष द्वारा निर्वाचन से संबंधित डीसीसी वोटर हेल्पलाइन कॉल सेंटर का उद्घाटन जिला समरणालय में किया गया। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि चुनाव वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 का कॉल कर चुनाव संबंधित तमाम जानकारियां प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने बताया कि शिकायत व सुझाव भी दर्ज कर सकते हैं। इस नंबर पर फोन करने पर तमाम जानकारियां निःशुल्क मिलेंगी। वोटर हेल्पलाइन से संचालक के लिए जिला में समरणालय स्थित आपदा प्रबंधन के कंट्रोल रूम में जिला संपर्क केंद्र बनाया गया है। इससे वरीय पदाधिकारी के रूप में जिला कृषि पदाधिकारी मोहम्मद शकील अंसारी तथा सहायक नोडल पदाधिकारी के रूप में हेमंत कुमार जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी हैं। इस कोषांग के वरीय प्रभार में अपर समाहर्ता श्री शत्रुंजय कुमार मिश्रा हैं। कॉल करने व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1950 पर डायल कर मतदाता सूची मतदान की तिथि जैसे विषयों पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सिर्फ एक नंबर बताने पर उनको उनके विधानसभा क्षेत्र से लेकर मतदान केंद्र व क्रमांक की जानकारी भी मिल जाएगी। निर्वाचक सूची में पंजीकरण के लिए निर्वाचन प्रक्रिया भी किसी भी तरह की सहायता के लिए कोई भी नागरिक वोटर हेल्पलाइन संख्या 1950 पर निःशुल्क कॉल कर सकता है। हम लोगों का जितना भी ये कॉपी किताब सर जितना भी आप रिकॉर्ड बनाती है उसको संधारित करने के लिए व्यवस्थित नहीं है चालू जल्दी से कर लीजिए। और कितना तक शिकायत है पर्ची उर्ची में नहीं रहना चाहिए उनको कोई आदर्श आचार संहिता को उल्लंघन दिखाई देता है तो सी विजिल के माध्यम से वो ऐप जो है बहुत ही छोटा सा ऐप है जो कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं उसमें वीडियो और फोटो पोस्ट करने की भी व्यवस्था रहती है। उस जगह से जहाँ की शिकायत है उसका पूरा डिटेल वहाँ से कैप्चर स्वतः हो जाता है। उनको मात्र फोटो खींच के भेजना होता है या वीडियोग्राफी करके भेजनी होती है और शिकायत जो भी है उसको 2-3 लाइनों में लिखना रहता है। बाकी और कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो अपने आप ही जब यहाँ पर रिसीव होता है तो सारा लोकेशन टाइम सब कुछ वहाँ पर दर्ज रहता है और 100 मिनट के अंदर जो है जो भी शिकायत प्राप्त होती है उसका निपटारा किया जाना होता है। सी विजिल में अब तक एक शिकायत प्राप्त हुई थी आज से 3-4 दिन पहले जब पहली बार इसको लॉन्च किया गया था उसी दिन और उसको ससमय हम लोगों ने इसका निष्पादन भी किया। एक योजना का बैनर एक जगह पर लगा रह गया था सिविल कोर्ट के पास उसको हटा लिया गया और उसकी सूचना तुरंत FST द्वारा दी गई और उसका निष्पादन सुनिश्चित किया गया। हम लोग अपेक्षा करते हैं कि इस व्यवस्था का उपयोग जो है सभी मतदाता और साथ में राजनीतिक दल के लोग भी विभिन्न शिकायतों को दर्ज कराने के लिए करेंगे और अभूतपूर्व सफलता इसमें मिलेगी। जो भी शिकायतें यहाँ प्राप्त होंगी उसका ससमय निष्पादन करने के लिए निर्देशित किया गया और अपेक्षा है कि हम लोग जितनी भी आकांक्षाएँ अपेक्षाएँ उसके उसको खड़े उतरे। सी विजिल पे जो सूचना दी जाती है सभी लोगों को सूचित किया गया है निर्देशित भी किया गया कि इसकी जानकारी गोपनीय रखी जाए। हालांकि इसमें फ़ोन नंबर डिस्प्ले होता है लेकिन हम लोग सिर्फ जो निरीक्षी पदाधिकारी हैं जो FST SST हैं उनके पास ही वो नंबर प्रेषित होता है ऑटोमेटिकली कंप्यूटर सिस्टम द्वारा। वो इसलिए किया जाता है कि यदि उस जगह पर वो पहुंच गए और वो चीज़ जो शिकायत है उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो उनसे वो संपर्क करते हुए वहाँ पर और अधिक स्पष्टता उस जगह की दे सकते हैं। लेकिन निर्देशित किया गया क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी जो शिकायतकर्ता है उनका उसका भी ध्यान रखा जाना है तो उसको किसी अन्य लेवल पर उसको प्रचारित नहीं किया जाना है ना ही उसको प्रेषित किया जाना। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट।